बराई, कराची वालों को भी अब साफ सुथरी एयर कंडीशन बसों में सफर करना नसीब होगा। चीन से ग्रीन लाइन मंसूबे की 40 हाइब्रिड बसें पहुंच गई। शहर के पहले मेट्रो बस मंसूबे पर अवाम सफर कब करेंगे, ये अब भी बड़ा सवाल है। सरजानी से एमजीना रोड तक ट्रैक तो बन गया, लेकिन सहूलतें मुकम्मल नहीं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अगले माह मजीद 40 बसें पहुंच जाएंगी। जल्द ही सर्कुलर रेलवे का भी संगे बुनियाद रखा जाएगा। तकरीबन इससे कोई 5 हफ्ते के गैप के बाद दूसरी खेप जो है 40 बसों की आ जाएगी। तकरीबन 2 माह के अरसे के अंदर कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और कराची का ये पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा काम करना शुरू कर देगा। 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है जो हम दे रहे हैं पहले फेज में। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 माह में इंशाल्लाह ऑन रोड होगी। फौरी तौर पर सिटी सर्विस शुरू कर रहे हैं। 3 माह के अरसे में आपको रोड पे नजर आएगी। जुलाई के एंड तक हजारों बसें कराची शहर और फिर पूरे सिंध में नजर आएंगी। 13 साल हुकूमत, नासिर हुसैन शाह के हजारों बसों के दावे, कई तारीखें, लेकिन कराची सरकारी बसों के मामले में बेबस ही रहा। हलीम आदिल शेख भी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहा 2016 से अब तक 4 किलोमीटर की ऑरेंज लाइन नहीं बन सकी। मलिर से नुमाइश तक रेड लाइन अभी तक किसी को दिखाई नहीं दी। अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन कराची वालों को जनाजा बसें मिली हैं। 13 साल में ट्रांसपोर्ट पर 1161 अरब रुपए खर्च और मिला क्या, ये ज्याला बस सर्विस, ये जनाजा बस सर्विस, ये मैयत गाड़ियां इन्होंने हमें ट्रांसपोर्ट के लिए देनी है। सुनते ना ना भाइयों, कराची वालों, ये है असल चेहरा जो पीपल्स पार्टी ने किया। आरामदेह निशस्तें, व्हीलचेयर, बुजुर्गों के लिए अलग जगह, मोबाइल फोन चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद, सीसीटीवी कैमरे, एक वक्त में 150 अफराद सफर कर सकेंगे। ग्रीन बस ऐसी होगी। समा की गाड़ियों के अंदर से भी रिपोर्टें। पानी नहीं आता, सड़कें टूटी फूटी हैं, ऐसी कौन सी खिदमात मिल रही हैं कि कराची वाले टैक्स दें? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने के इलेक्ट्रिक के बिलों में टैक्स वसूली पर सवालात उठा दिए। कहा हुकूमत पहले काम तो करे, फिर टैक्स मांगे। कंजर्वेंसी टैक्स होता है खिदमात के बदले में टैक्स लेना, तो कौन सी खिदमत चल रही है यहाँ पे? अस्पतालों की हालत देखें, स्कूलों को देखें, स्कूल के डेस्कों को देखें। वो हलीम आदिल शेख पता नहीं किधर है, मैं उसको ढूंढ रहा था। वो सुबह जा के बसों की हालत दिखा के आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जो रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात हुकूमत लाना चाहती है उसके, वो किसी मकसद के तहत उसके मुखालिफ है। शैतान भी बाहर धरना दे के बैठेगा तो इधर मरियम नवाज पीछे खड़ी हो जाएंगी, एक तरफ शहबाज शरीफ बैठ जाएंगे, दूसरी तरफ बिलावल बैठ जाएंगे और सारे शैतान के साथ मिलकर तालियां बजाना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालिफत क्यों? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अपोजिशन मुसलसल हुकूमत के निशाने पर। फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि ईवीएम से मुतालिक मुस्बत पॉइंट्स जानबूझकर हजफ किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासी तनाजियात से दूर रहें, ऐसा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें और सिर्फ सियासत ही करें। तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इंतबाह। अपोजिशन को बड़ी सोच रखने का मशवरा। बोले ये लाजमी नहीं कि हुकूमत जो भी करे बगैर सोचे समझे उसकी मुखालिफत शुरू कर दें। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं ईवीएम का मामला 2028 तक खींचने नहीं देंगे। हमारे लीडर की कमिटमेंट ये बताती है कि हमने इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, ये बात टालना चाहते हैं 2028 पे और वो हम कर लेंगे। इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है, वुजरा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा इलेक्शन कमीशन और अरकान पार्लियामान के सवालात के हुकूमत के पास जवाब नहीं, सब कुछ गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग से निजात के लिए हो रहा है। तमाम सूबों का हमें एहतराम करना होगा, उनके आवाम को उनके वसाइल उन तक पहुँचाने होंगे और जमहूरी निज़ाम को फ़रोग देने के लिए, जमहूरीत के लिए मिलकर हमें सबको काम करना होगा। सबको हक दो, हकीकी जमहूरियत लाना होगी। छोटे मियां साहब भी मुतहर्रिक। कराची में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मेंगल से मुलाकात।
वालिद की वफात पर ताजियत, मिफ्ता इस्माइल के घर पार्टी इजलास की सदारत की। शहबाज शरीफ कल गुजरांवाला और मंगल को मुल्तान जाएंगे। बुध को साहिवाल वर्कर्स कन्वेंशन और 28 सितंबर को फैसलाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। जनूबी पंजाब का महाज भी शहबाज शरीफ संभालेंगे। सिंध पुलिस कानून का कायदा भूल बैठी। कराची में हक्कानी चौक पर गदागरों पर धावा बोला। अहलकारों का गिरफ्तारी के दौरान भिखारियों पर तशद्दुद, 5 अफराद को गिरफ्तार किया। खवातीन दुहाइयां देती रही लेकिन अहलकारों ने एक न सुनी। शीर खार बच्चे को भी मोबाइल में डाल दिया, बाद में गिरफ्तार गदागरों को छोड़ दिया। कराची में पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल का स्टील टाउन में छापा। 2 मुखबिर लड़कियां बाजियाब, 3 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून मत तोड़ना, कैमरे की आंख आपको देख रही है। लाहौर मुल्तान मोटरवे पर अब ड्रोन कैमरों से पेट्रोलिंग होगी। चलती गाड़ियों की रिकॉर्डिंग की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। पोलियो से पाक पाकिस्तान, मंजिल करीब है लेकिन कोशिश जारी रखना होगी। आज से मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। तर्जुमान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम कहते हैं, गुज़िश्ता 7 माह के दौरान पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। गुज़िश्ता साल इस वक्त तक 75 केसेस रिपोर्ट हो चुके थे। न्यूजीलैंड के ऐलान के बाद के 48 घंटे बहुत मुश्किल थे। जुमे के दिन सुबह 3 बजे न्यूजीलैंड के ऑफिसर रेग डिकैसन ने कॉल की। पूछने के बावजूद हमें सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में नहीं बताया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान की बातचीत, कहा फाइव आईज ने न्यूजीलैंड के डिप्टी वजीर आजम को हमले का बताया। हमारी एजेंसी ने बताया कि मेहमान टीम को कोई थ्रेट्स नहीं। एकतरफा दौरा खत्म करके बहुत गलत मिसाल कायम की गई। न्यूजीलैंड चला गया तो क्या, इन मैदानों में क्रिकेट होगी और भरपूर होगी। जिन शहरों में कीवीज ने खेलने से इनकार किया, अब वही नेशनल T20 का मेला सजेगा। पहला मरहला रावलपिंडी और दूसरा लाहौर में होगा और दुनिया को बताया जाएगा कि पाकिस्तान महफूज है। वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी इवेंट में हिस्सा लेंगे। रमीज राजा कहते हैं, दुनिया को बल्ले से जवाब देंगे। I feel safer here than I do in the US. I'm so well taken care of and received. इतनी मोहब्बत और मदद करने वाले मुल्क में आखिर न्यूजीलैंड की टीम को किससे डर था? पाकिस्तान को अमेरिका से ज्यादा महफूज पाया। न्यूजीलैंड टीम सिक्योरिटी का बहाना बनाकर भाग गई, लेकिन अमेरिकी खवातीन की पाकिस्तान में लंबी राइड, बगैर सिक्योरिटी 2200 किलोमीटर का सफर किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।